हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आपके साथ में नए नए प्रोजेक्ट आते रहेंगे, वीडियो बनती रहेगी। तदास्तु। ये तदास्तु आप लोगों के लिए नहीं है, ये तदास्तु एक प्रोजेक्ट का नाम है। आज उसी के बारे में, मैं धर्मेंद्र सैनी दीप बिलवल से आज फिर आपके साथ आपके लिए वीडियो, नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जबरदस्त आ रहे हैं, एक से एक एमिनिटीज के साथ आ रहे हैं। इसी तरह का आज जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसी तरह का प्रोजेक्ट है तदास्तु गंगा रियल्टी। पहले तो आपको बिल्डर के बारे में बता देता हूँ। गंगा रियल्टी जो पहले एम आर जी के साथ में पार्टनरशिप में थी, ये वही कंपनी है। एम आर जी के आपके प्रोजेक्ट आपने बहुत सारे सुने होंगे, सभी में काम चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है। उसी में से कुछ पार्टनर ने अपनी एक कंपनी बनाई गंगा रियल्टी। तो गंगा रियल्टी वालों का ही ये प्रोजेक्ट है तदास्तु, साउथ गुड़गांव के अंदर, यानी कि सोना के अंदर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। इसमें मैं आपको अफोर्डेबल के अंदर सबसे अच्छी चीज बताता हूँ, वो क्या है कि 22 एकड़ का अफोर्डेबल है। 22 एकड़, 3,000 फ्लैट, मतलब समझो, मैं इसको गांव भी नहीं कहूंगा, ये पूरे कस्बा ही बस गया यहाँ पे, पूरा कस्बा। सोना सेक्टर 5 के अंदर एक तरफ 60 मीटर रोड लगती है, एक तरफ 24 मीटर रोड होती है, दो रोड इस पे लगती हैं। इतनी मेहनत की है प्रोजेक्ट का डिजाइन बनाने में, प्रोजेक्ट का पूरा एलिवेशन बनाने में, कि किस तरह से एक अच्छी चीज दी जाए कि भाई हम इसको इसको किस तरह का अच्छा बनाएं और कैसे बनाएं। मैंने इनको पूरा प्रोजेक्ट अच्छी तरह से देखा हुआ है, अच्छी तरह के लेआउट की स्टडी की है, तो मेरे को लगा कि वाकई में इन्होंने प्रोजेक्ट पे मेहनत की हुई है, कि भी जिसको हम फ्लैट दे रहे हैं वाकई में वो फ्लैट लेकर के ये कहे कि हाँ, ये वाकई में मुझे इसकी जरूरत थी, वाकई में जरूरत थी। 3,000 टोटल फ्लैट, 3,000 टोटल फ्लैट 22 एकड़ में, 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया कमर्शल, और कमर्शल में भी दुकानें ये नहीं कि ऊपर अलग हो, मतलब कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे इस तरह से क्यूबिकल बनाए हैं कि आप पूरे में घूमेंगे, आप पूरे कॉम्प्लेक्स में घूमेंगे जहां जहां कमर्शल है। 4 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स, 4 स्क्रीन का, अब आप समझ रहे हो ना कि भी आपको दुकानें मिल गई, मल्टीप्लेक्स मिल गए, शोरूम उसी में मिल गए, रहना वही है, पार्क वही है, आपका सब कुछ वही है, स्कूटर की कार पार्किंग है, कार की कार पार्किंग है, मतलब कि आपको क्या चीज इन्होंने नहीं दी है, इस तरह की चीज बना रहे हैं। मेरा खुद का देखा हुआ है, 15,000 स्क्वायर फीट का क्लब, अफोर्डेबल में क्लब, अफोर्डेबल में क्लब, मतलब पहली बार ही होगा शायद ये जो अफोर्डेबल में क्लब बना रहे हैं 15 स्क्वायर फीट का, जॉगिंग ट्रैक से लेके टेनिस कोर्ट से लेकर के स्विमिंग पूल से लेके जिम, मतलब कि 40 एमिनिटीज इन्होंने, मैंने देखा इनके ब्रोशर में 40 एमिनिटीज है। अगर आपको देखना है तो मैं आपको ब्रोशर आपको भेज दूंगा, आपको 40 एमिनिटीज है इसके अंदर में। साइज बता देता हूं आपको, 640 स्क्वायर फीट से लेकर के और 100 स्क्वायर फीट की बालकनी, करीबन करीबन 750 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया का फ्लैट है अफोर्डेबल का। हाँ, 2 बेडरूम 2 टॉयलेट, एक बड़ा रूम स्टडी टाइप का रूम है, तो 3 बेडरूम ही बोलते हैं, तो 3 बेडरूम का फ्लैट है ये, ड्रॉइंग डाइनिंग है, ठीक है। टोटल मतलब कि ग्राउंड कवरेज ज्यादा देने की वजह से, ग्राउंड कवर ज्यादा देने की वजह से इन्होंने
जो टावर की हाइट है वो 21-22 फीट की रखी हुई, 22 माले की रखी हुई है, 21-22 माले की रखी हुई है, मतलब कि बिल्डिंग 21-22 माले की है, 14 टावर टोटल बना रहे हैं। सोना में आपने देखा होगा, सोना से एक डायरेक्ट दमदमा रोड गया हुआ है। दमदमा भी आप लोगों को पता ही है, एक झील है बड़ी अच्छी, जहाँ पे लोग जाते हैं, टूरिस्ट की जगह है, मतलब कि घूमने फिरने बहुत लोग जाते हैं, अच्छे से 5 स्टार भी वहाँ बने हुए हैं। उसी रोड पे सोना से मात्र 1.5-2 किलोमीटर पे ही ये इनका प्रोजेक्ट आ जाता है। इसके बराबर में ऑलरेडी पारस का है, GLS का है, ऑलरेडी बिल्डिंग खड़ी है, लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, ऐसा नहीं यहाँ पे लोग नहीं रह रहे हैं। तो ये एक तरह से बसी हुई जगह के अंदर है। ठीक है, अभी वहाँ पे अभी 60 मीटर रोड, 24 मीटर रोड नहीं बने हैं, क्योंकि तो अभी थोड़ा गांव की रोड से जाना पड़ता है, लेकिन सोना के साथ सारे रोड बन ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सोना का प्रोजेक्ट है, सोना के अंदर है, गंगा रियल्टी का प्रोजेक्ट है, तदास्तु ने नाम रखा हुआ है, मतलब गंगा भी हो गया, तदास्तु भी हो गया, नाम में ही ऐसा कुछ रखा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता प्रोजेक्ट हल्का बनेगा, अफोर्डेबल है। अप्रोक्सीमेट 21-22 तारीख से इनके ड्रॉ शुरू हो जाएंगे, फॉर्म शुरू हो जाएंगे, आप भर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि भी कैसे भरना है, क्या भरना है, उसके लिए मेरी पहले भी वीडियो मैंने आपको दी हुई है, जिसके अंदर पूरी डिटेल दी हुई है, कैसे भरना है, क्या भरना है, कर सकते हो। सोना का रेट 3800 है, गुड़गांव का रेट 4200 है। 1000 रुपये की बालकनी होती है, जो वो सबको पता ही है कि बालकनी का 1000 रुपये होता है। अच्छा, बालकनी बड़ी भी होगी ना, तो सिर्फ 1 लाख रुपये लेनी है आपसे, गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, ये एक कैपिंग लगाई हुई है कि बालकनी का सिर्फ 1000 रुपये ही ले सकते हैं ये बिल्डर। तो समझो बालकनी का 1000, ओके। और उसके अलावा मैनेजमेंट कोटे की भी हैं, जो मैनेजमेंट कोटे के फ्लैट हैं उसके अंदर भी इन्होंने वो बिल्कुल सेपरेट किए हुए हैं, ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पर ही है वो भी, जो मैनेजमेंट कोटे के फ्लैट है, गोरिंग के पास जो बिल्डर के फ्लैट है वो बिल्डर के पास हैं, जिसकी बालकनी 200 से 250 250 स्क्वेयर फीट की है, ग्राउंड फर्स्ट पे जो फ्लैट है, टोटल जितने ही फ्लैट हैं उसके अंदर में ग्राउंड फर्स्ट पे इन्होंने बालकनी बड़ी दी हुई है। ग्राउंड फ्लोर वाले को पर्सनल वरांडा दिया हुआ, अपना पर्सनल वरांडा है, बिल्कुल गार्डन है प्रॉपर, मतलब कि आप उसमें आराम से बैठो, इंजॉय करो उसके अंदर, ठीक है। कार पार्किंग भी दे रखी है, स्कूटर की है, गाड़ी की है, सब चीज़ें इनके पास कार पार्किंग। तो आप ये समझो कि प्रोजेक्ट मेरा देखा हुआ है, अभी परसों ही भूमि पूजन करा है ना, 3-4 दिन पहले, तो आपके सामने बिल्कुल रेडी फ्लैट है। आप मेरे पास रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन हमने ओपन किए हुए हैं, तो आप आके रजिस्ट्रेशन करा लो, जैसे इसकी ओपनिंग होगी वैसे आपके फॉर्म भरे जाएंगे, उसके लिए मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा आपकी। तो 3800 इंटू आप उसकी कॉस्टिंग कर लीजिए, तो करीबन 25-25.5 के आसपास का प्राइस आएगा टोटल सब मिला करके। आप फॉर्म के लिए रेडी रहिए, ये फॉर्म आपको मिल जाएंगे जब भी आप कहेंगे, मेरे पास ऑलरेडी हैं, जैसे खुलेंगे मैं आपको दे दूंगा आपको। तो आप मेरे से जरूर टच में रहिए। गंगा रियल्टी, मुझे लग रहा है 22 एकड़ में जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं, 3000 में रहने का एक अलग मजा आएगा, एक अलग ही मजा आना है। जरूर टच में रहो मैं से। थैंक यू।